एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सत्या सुपर समयल इन्नी की नम्म पाक पोर रेसिपी एनना चिकन ग्रेवी वांग वीडियो कुल पोगलाम फर्स्ट और जार ले रेंड चिल्ल तेंगाव कट पन्नी आड पन्नी कोंगा और तक्काली कट पन्नद सेत्तुकलाम और कईपिड़ी अलव पुदीना एंड कोत्तमल्ली सेत्तुकोंगा एल एट मुंद्रिय अर मण नेर तन्नील ऊरे वच्चे आड पनिकोंग अर स्पून चीरगम अंड अर स्पून सोंबु सेत्तुकोंग इप्पो इदले तेवयान अलव तन्नी ऊती इंद माद्री और पेस्टा अरच्चे एड़त्त वच्चुकोंग अडुप्पु आन पन्नी और कड़ाय वच्चुकोंग अदले तेवयान अलव आयिल ऊतिकोंग एन्न सूडान कप्रों रेंडु बिर्यानी एले चिन्न साइस पट्ट रेंडु ओरु एलका सेत्तुकोंगा इप्पो ओरु पेरिय वेंगायम कट पन्नदा आड पन्निकलां इदे नल्ला फ्राई पन्निकोंगा इप्पो पातिंगना वेंगायम नल्ला वनंगिडिच्च इंद स्टेजले ओरु स्पून इंजी पूंड पेस्ट आड पनिकला इंजी पूंड पेस्टोड रॉ स्मेल पोर वरेकुं वनकिकोंगा इंजी पूंड पेस्टोड रॉ स्मेल पोनकप्रों नम्म मसाला पाउडर्स आड पनिकला अदु एन्नेन्न पातिंगना ओरु स्पून मल्ली तूल अर स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर अर स्पून जीरग तूल काल स्पून मिलग तूल काल स्पून मंज तूल रेंड स्पून चिकन मसाला पाउडर इप्पो नम्म आड पन्ना मसाला पाउडर्स एल्ला आनियन ओड़ ईवना कोट आगर माद्री मिक्स पनिकोंग मसाला पाउडर्स एल्ला नल्ला मिक्स आयिडुच्चु इंद स्टेजल नम्म क्लीन पन्नी वच्चिरुक्क चिकन आड पन्निक्कलाम ना इंग 750 ग्राम्स चिकन आड पन्रें इप्पो मसाला एंड चिकन नल्ला मिक्स पन्नी विडुंग नम्म आड पन्न मसाला एलामे चिकन ले नल्ला कोट आयिडुच्च इंद स्टेज ले नम्म स्टार्टिंग ले अरच्च वच्च पेस्ट आड पनिकोंग इंद मसाला अरच्च अदे जार ले इंद ग्रेविक तेवियान अलव तन्नी ऊती मिक्स पन्नीट इदले आड पन्नीरुंग தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணக்க அப்புறம் அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா mix ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல கிரேவிக்கு தேவையான அளவு salt ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க इप्पो इदु नल्ला कुक आगरत्तुक्काग ओरु मूडी पोट्टु 20 निमिषम वरैक्कुम वेग विट्रलाम 20 मिनट्स कळिच्चु लिड ओपन पण्णिक्कोंग ग्रेवि नल्ला कोदिच्चिट्टिरुक्कु इदु अप्पडिये किळरि विट्टुक्कोंग चिकन वंदु नल्ला कुक आयिडुच्चु நம்ம ஆட் பண்ண ஆயில் வந்து பிரிஞ்சு தனியா வந்திருக்கு இதுதான் கரெகட்டான பதம்
இந்த ஸ்டேஜ்ல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிருங்க. இப்போ கொத்தமல்லி தூவி அரைக்கணும்னா நம்மளோட டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. லஞ்சுக்கு இந்த சிக்கன் கிரேவியை நீங்கள் ஒயிட் ரைஸில் போட்டு சாப்பிடலாம். அண்ட் இது டிஃபன் ஐட்டம்ஸான சப்பாத்தி இட்லி தோசை கூடவும் நல்லாவே செட் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சத்யா சூப்பர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. சத்யா சூப்பர் சமையல் பாருங்க, சூப்பரா சமைங்க, சூப்பரா சாப்பிடுங்க. பாய்.